सारी क्वायरी जितनी भी है वो आपको है जो फिर से बैक करेंगे अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इंप्रूव करने होंगे। तो प्लीज गाइस आप है जो अपने ईमेल गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फाइनली ये नया वीडियो आप सभी लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन एंड जो चेंजमेंट आए हैं काउंसलिंग में वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो प्लीज गाइज ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। गाइज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस वीडियो की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एंड गाइज दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी, संडे को मैं यहाँ पे लाइव आता हूँ, आप अपनी सारी क्वेरीज क्लियर कर सकते हो। तो चलिए गाइस आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन आया है निफ्ट की तरफ से वो ये है, 13 अगस्त इज द लास्ट डेट था कि आप है जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो फॉर द काउंसलिंग, वो है जो एक्सटेंड कर दी गई है। अब ऐसा हो गया है कि मास्टर्स के लिए 17 अगस्त इज द लास्ट डेट, 21 अगस्त इज द लास्ट डेट फॉर द बीडेस स्टूडेंट। सो गाइज बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो है जो अभी आप जाके है जो कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप अपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। प्लस रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपका है जो एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, एप्लीकेशन नंबर इज द फॉर्म नंबर, जो आपका फॉर्म नंबर लिखा हुआ है एप्लीकेशन वाला आप उसमें फिल कर दोगे। जो भी प्रोसेस जैसे पूछता है गाइस उसको आप कंटिन्यू करते रहिएगा। प्लस आगे जो आपका होगा है जो डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल आपको चूज करनी होगी। तो प्लीज गाइस जाके वहां पे चूज करना, 1 MB से लेस होना चाहिए, जेपीजी फॉर्म या फिर पीडीएफ फॉर्म में आप वहां पे सारे डॉक्यूमेंट अपने चूज करके पुट कर दीजिएगा। प्लस जो इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत सारी क्वेरीज आई कि आपने फोटोज कैसे करने हैं, 6 फोटोज मांगी गई हैं, 4 पासपोर्ट साइज प्लस 2 स्टैम्प साइज। गाइस तो प्लीज आपके पास जैसी भी फोटोज हैं एक एक करके है जो उसमें सारी अपलोड कर दीजिएगा, लेस देन 1 MB की होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स है जो लेस देन 1 MB के होने चाहिए। प्लस गाइस जो ये है जो सेल्फ अटेस्टेड वाला सीन, गाइस सबसे पहले आपको मार्कशीट को फोटो कॉपी कराना है, फोटो कॉपी कराने के बाद से आपको साइन करना है, तब जाके वो सेल्फ अटेस्टेड होगा। मार्कशीट पे है जो आपको साइन नहीं करने हैं, तो आप ये सेल्फ अटेस्टेड वाले में ये है जो प्रोसेस कर सकते हो। प्लस गाइस बहुत से लोगों की क्वेरीज आई है एंटी रैगिंग, गाइस आपको एंटी रैगिंग में करना केवल यही है, जो डेट पूछा गया है वो आप आज की कल की कभी की भी डेट डाल सकते हो जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो। प्लस कॉमन मेरिट रैंक ही मेंशन करना है जहां पे आपको रैंक पूछी गई है। प्लस बिटनेस में आप किसी के भी सिग्नेचर करा सकते हो। गाइस ये बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस है, आपको इसको फॉलो करना होगा। प्लस जो फिटनेस सर्टिफिकेट, उसमें बहुत लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, फिटनेस सर्टिफिकेट में जो पार्ट बी है उसमें आपको है जो जिस हिसाब से न्यू नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये है कि आप किसी भी MBBS डॉक्टर से है जो उसमें साइन प्लस सील करवा सकते हो। तो गाइस उसमें जो क्या है, निफ्ट जो देखता है वो ये देखता है कि जो साइन या फिर सील जो लगाई गई है, सील में ऐसा होता है ना उसमें लिखा होता है मेडिकल फैकल्टी ऑफ इंडियन भारतीय ऐसे करके कुछ लिखा होता है, राइट, क्योंकि वो है जो वहां से अप्रूव्ड होता है, MBBS डॉक्टर है जो वो इंडियन मेडिकल उससे है जो अप्रूव्ड किया होता है, उसके पास लाइसेंस होता है कि वो इंडिया में काम कर सकता है, तो उन लोगों की सील में ऐसा कुछ लिखा होता है। तो जब अगर वो MBBS डॉक्टर है एंड उसके पास इंडियन लाइसेंस है तभी जाके अगर वो सील लगाएगा तो सील में ऑलरेडी मेंशन होगा, राइट। तो इस वजह से वो एग्जैक्ट वो सील देखते हैं कि वो है जो वैलिड है कि नहीं है। तो आप किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी हॉस्पिटल में जाके या फिर MBBS डॉक्टर, डजंट मैटर कि वो प्राइवेट में काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट में, आप उससे सील लगवा सकते हो एंड साइन करा सकते हो जहां पे फोटो होगा। तो प्लीज गाइज ऐसा करिएगा, जिन्होंने पहले से करा चुके हो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप कराते हो तो आधा फोटो पे प्लस आधा पेपर पे साइन करा लीजिएगा। प्लस गाइज जब ये प्रोसेस आप कर लोगे फिर आएगा पेमेंट प्रोसेस, राइट। तो पेमेंट प्रोसेस पे क्या करना है, नॉर्मल से आपकी जो फीस है वो पेमेंट प्रोसेस आपको वहां पे फीस पे करनी होगा। तो आप वहां पे करना जाके, जैसे कि क्या होता है सेविंग अकाउंट से एक साथ है जो 1.5 लाख रुपीस नहीं जा सकते, तो धीमे धीमे जाते, तो आप जितना वहां पे डालते जाओगे उतना है जो वहां से माइनस होता जाएगा। जैसे ही आपका है जो
फीस कंप्लीट होगा और आपका प्रोसेस है जो कंप्लीट हो जाएगा निफ्ट के पास वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है आपको पे करनी ही होगी, तभी प्रोसेस स्टार्ट होगा, राइट। प्लस गाइज, आपको डरने की कोई नीड नहीं है, इट्स अ गवर्नमेंट प्रोसेस, आपकी जितनी भी फीस है आपकी रिफंड हो जाएगी अगर कोई प्रॉब्लम आती है। प्लस अगर आप सीट नहीं लेते हो तो आपकी फीस है जो रिफंड कर दी जाएगी। तो प्लीज गाइज, बेहिचक आप फीस पेमेंट कर दो, जिससे जितना जल्दी आप फीस पेमेंट करोगे उतनी जल्दी आपका है जो वेरिफिकेशन होगा। प्लस अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से लगाने होंगे तो वो आपको मेल कर देगा। प्लस जो इम्पॉर्टेंट चीज है, जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें जो आप डाल ले हो अपनी ईमेल आईडी जो भी डिटेल्स, वो सही डालिएगा। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत होता तो आपको सही इंप्रूवमेंट करने का चांस देंगे। तो अगर आपने सही मेल डाली होगी तभी जाके वो है जो आपको बताएंगे क्या क्या फॉर्म में गड़बड़ी है। तो ऐसे ही आप देखोगे वहां जाके फिर से आप है जो सही करके फॉर्म अपने है जो सर्टिफिकेट जो भी है जो आप वहां पे जाके अपलोड कर सकते हो। तो प्लीज गाइज, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, अपना पासवर्ड प्लस आईडी जो भी है ये याद रखिएगा, जिससे कि आप अपना फॉर्म है जो इंप्रूव कर पाए। प्लस गाइस, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जब एनेक्सस फॉर्म आए थे तो निफ्ट में ऐसा किया था कि उसने पहले से ही अपनी बैंक डिटेल्स ये सारी मेंशन कर दी थी। तो जिस हिसाब से बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज, इवन कंफ्यूज क्या, अगर आपने है जो ऑलरेडी निफ्ट बैंक डिटेल्स दे दी है तो इसके मतलब यही होता है कि आपको है जो उसमें ऑनलाइन पे करना होगा, राइट। तो ये है जो काफी बच्चे कंफ्यूज है कि गलती किसकी है, एग्जैक्ट में क्या हुआ है कि निफ्ट को वहां पे वो डिटेल देनी ही नहीं चाहिए थी। क्योंकि अगर आप नया पोर्टल खोल रहे हो पेमेंट करने का, गेटवे का जो भी आपने बताया हुआ है, ये आपको उसमें मेंशन करना चाहिए था। अगर नहीं मेंशन किया तो आपको अपनी बैंक की डिटेल्स, इवन आईएफएससी कोड, बैंक खाता प्लस ये सारी देने की कोई नीड नहीं थी अगर आप उसके थ्रू पेमेंट नहीं लेना चाहते हो। तो ये प्लीज गाइज, आप टेंशन मत लीजिएगा कि है जो ये आपकी प्रॉब्लम, ये निफ्ट की गलती थी कि उन्होंने वहां पर डिटेल्स दे दी, जिससे कि काफी लोग है जो कंफ्यूज हुए, राइट। इवन मैं खुद इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि कैसे करके आप लोगों ने 1.5 लाख रुपीस उसमें पे किए एंड उसका कोई भी हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि निफ्ट है जो गेटवे के थ्रू ले रहा है, जो भी उसने नया पोर्टल खोला उसके थ्रू। तो प्लीज गाइस, जो उसका है जो नया नोटिफिकेशन आया है, आप लोग खुश हो जाओगे सुन के कि उसको भी अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये आपकी फीस है जो ट्रांसफर कर दी जाएगी आपके रजिस्ट्रेशन में, तो ये वैलिड होगी फीस जिन्होंने ऑलरेडी पे कर दिया। उसके लिए आपको एक नॉर्मल सा प्रोसेस करना होगा, शायद इन्होंने कोई अपडेट दिया हो, आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी होगी, वहां पे जाके आपको देखना होगा कि जो ऑलरेडी आप लोगों ने पे किया है थ्रू द निफ्ट, निफ्ट का मतलब ये प्रोसेस होता है ऑनलाइन पेमेंट का, नॉट निफ्ट, राइट। तो इसलिए जिन बच्चों ने पहले से कर दिया है बैंक में ट्रांसफर, उनके लिए ये है जो इंफॉर्मेशन है, जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं निफ्ट के पोर्टल से, जो काउंसलिंग पोर्टल है जो प्रोसेस उसमें से किए गेटवे के थ्रू, उनके लिए ये नोटिफिकेशन नहीं है। सो प्लीज गाइज, आप जाके देखो जाके कि क्या प्रोसेस करने होंगे उसके लिए, तो उसको जाके आप करो जाके जल्द से जल्द, जिससे कि आपका है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए चला जाए। प्लस काफी बच्चों की क्वेरीज आई है कि ऑलरेडी उन लोगों ने फीस पेमेंट कर दिया है, वेरिफिकेशंस के लिए सारी चीजें कर दी हैं, प्लस काफी जो बच्चे उनसे लेट उन्होंने किया, उनके है जो मेल्स आ गए हैं इंप्रूव के लिए, आपके नहीं आए, तो इसीलिए उन्होंने डेट है जो एक्सटेंड की हुई है कि अब आपकी है जो सारी क्वेरी जितनी भी है वो आपको है जो फिर से बैक करेंगे अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इंप्रूव करने होंगे। तो प्लीज गाइस, आप है जो अपने ईमेल्स चेक करते रहिएगा कि कब है जो वो लोग दे रहे हैं, जैसे ही कोई गलत अगर आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आप सही करा के दे सकते हो। प्लस गाइस, जो एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं, जो नोटिफिकेशन आई है डोमिसाइल जो इस स्टेट में पाए जाते हैं, इन स्टेट के बच्चे हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस डोमिसाइल क्या होता है, डोमिसाइल सीट्स ये होती हैं कि अगर इन स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो यहां की गवर्नमेंट अपने स्टेट को एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए अलग से डोमिसाइल कैटेगरीज है जो निकाल देती हैं, उस कैटेगरीज में केवल वहां के स्टेट के बच्चे ही सीट ले सकते हैं और कोई टच नहीं कर सकते हैं। तो प्लस गाइस, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है डोमिसाइल सीट भी फिल करने का। डोमिसाइल सीट अगर आप फिल करते हो तो आप डोमिसाइल में तो सीट ले ही सकते हो, प्लस अदर स्टेट में भी आप
आपको कैंपस ऐसा नॉर्मली मिल रहा है, क्योंकि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो या फिर श्रीनगर कहीं से भी बिलोंग करते हो, अगर आपको दिल्ली मुंबई मिल, ऑब्वियसली बात है आप वही सीट लेना चाहोगे, राइट? तो इसलिए आप वहां भी सीट ले सकते हो। लेकिन अगर आप डोमिसाइल के हो, अगर वहां कहीं सीट नहीं मिल रही तो आपको अपनी डोमिसाइल में सीट दिखेगी तो वहां ले जाओगे। तो ये प्लस पॉइंट है। तो प्लीज गाइज, आप अगर इन स्टेट से बिलोंग करते हो, डोमिसाइल सीट प्लीज फिल कर दीजिएगा, आपके लिए है जो अच्छा चांसेस है सीट लेने का। प्लस इसको कैसे फिल करते हैं गाइस, आपको क्या करना है, इसमें टीसी लगानी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट में टीसी लगानी है, जिससे कि उनको पता चल जाएगा आप इस स्टेट से बिलोंग करते हो और यहाँ के एजुकेशन से ही आपने 12th पास किया, जो भी आपने बीएससी पास किया जो भी है। तो गाइस, डोमिसाइल सीट आप यहाँ से ले सकते हो अपनी टीसी लगा के। प्लस जो बहुत सारी क्वायरीज आई हैं कि काफी लोगों का 10th का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, राइट? तो सर्टिफिकेट में आपको क्या करना है, काफी बच्चों के ऐसे हैं कि मेरे टाइम पे क्या था कि 10th का सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट दोनों एक कंबाइंड आती थी। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आप लोगों का भी ऐसा होगा, 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों कंबाइंड होगा, तो आप है जो उसको फिर से है जो क्या करना है, अपलोड कर देना है, तो आपका वो भी सर्टिफिकेट हो जाएगा। तो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों 10th के ही उसमें है, तो आप वही फिर से रिपीट कर दीजिए, फिर से अपलोड कर दीजिए, आपका है जो सबमिट हो जाएगी। एंड जो बहुत सारे लोगों की क्वायरीज या फिर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो उस चीज का तुरंत स्क्रीनशॉट लो, या फिर आप कोई मेल करना चाहते हो तो उसका है जो राइट अप लिख के आप इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे ही टाइम इनको मिलेगा आपके है जो क्वायरीज का रिप्लाई देंगे। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, मतलब कर सकते हो, वो उठाएंगे तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ भी सकते हो, राइट? तो ये सारी चीजें हैं, आप है जो यहाँ पे जाके अपना कर सकते हो। प्लस ये इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस थी जो कि आई हैं पिछले दिनों में, एनेक्सर फॉर्म निकलने के बाद एक फीस पेमेंट हो गया, प्लस एक हेल्थ वाला आपका हो गया, प्लस डोमिसाइल सीट का। तो ये सारे न्यू नोटिफिकेशंस आए हैं, प्लस जो आपकी डेट है जो एक्सटेंड हो गई है, ये 4th न्यू नोटिफिकेशंस है गाइज। तो प्लीज गाइज अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, शायद बाय मिस्टेक इन्होंने नहीं पता हो, वो गलत ना फील कर दे काउंसलिंग के लिए। प्लस डरने की कोई बात नहीं है, आपकी सारी फीस रिफंड हो जाएगी अगर आपको सीट नहीं मिलती है बिना फीस के है जो वो आपका वेरिफिकेशन नहीं हो। तो प्लीज गाइस जाके आप अपनी फीस सबमिट करो, जिससे कि वेरिफिकेशन में उतनी जल्दी आएगी, उतनी जल्दी आप है जो इंप्रूवमेंट कर पाओगे, क्योंकि इसके बाद से एक्सटेंड नहीं होगी, दिस इज द लास्ट एक्सटेंशन ऑफ द डेट, राइट? तो इसलिए इस पे आप देखिए जाके। प्लस गाइस, जैसे ही कोई न्यू नोटिफिकेशंस आती तो सबसे पहले अपडेट मैं इंस्टाग्राम के थ्रू देता हूं, तो आप वहां भी मुझसे कनेक्ट रह सकते हो। प्लस संडे को मैं लाइव आता हूं, अपनी सारी क्वेरीज आप लाइव क्लियर कर सकते हो। प्लस गाइस, कमेंट करना मत भूलिएगा कि मेरे वीडियोस आपको कैसे अच्छे लगते हैं, प्लस आपको है जो क्या क्वेरीज चाहिए आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हो। प्लस इंस्टाग्राम पे भी मुझे है जो बता सकते हो कि आपको किस चीज पे वीडियोस चाहिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। तो प्लीज गाइज, आज के इस वीडियोस में मैंने सारी इंफॉर्मेशन दी है, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो की पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।